दुनिया में कोई भी इंसान फोटोग्राफ क्यों खिंचवाता है तुम लोगों के अनुसार कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी लोग पिक्चर्स इसलिए क्लिक करते हैं क्योंकि फोटोग्राफ एक सोर्स है मेमोरीज की। चाहे तुम लोग फोटोग्राफ अपने मम्मी पापा दादा दादी या फिर रिलेटिव्स या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए हो तो भी खिंचवाते हो। क्यों खिंचवाते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि फोटोज सोर्स है एक मेमोरीज की। कोई भी प्रीसियस मोमेंट हम लोग इसलिए कैप्चर करते हैं फोटोज में ताकि वो हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाए। सो आज का हमारा जो पोयम है ना वो यही टॉपिक के अराउंड है। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे हॉर्नबिल बुक का पहला पोयम अ फोटोग्राफ, जिसे लिखने का कष्ट किया है सिलीली टाउलसेन ने। इस पोयम में वो हमें अपने मदर के बारे में बताती है जो इस दुनिया से बहुत ज्यादा दूर जा चुकी है, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब आराम से चुकुमुकु बैठो और इस एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन का मजा लो। एंड मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर शुरू से एंड तक इस वीडियो को देख लोगे ना तो ये जो पोयम है ये तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस पोयम को पढ़ने का कष्ट करेगी श्रीली टॉलसन एंड उसे एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस पोयम को। So our first two lines are, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went padding. Cardboard का मतलब होता है photograph, padding का मतलब होता है walking with barefoot in shadow of water. तो अब आयुष चलो इन दोनों lines का मतलब अपने बच्चों को समझा दो। तो इन दो लाइंस में पोएट हमें कहती है कि कार्डबोर्ड, जिसका मतलब होता है फोटोग्राफ, वो मुझे दिखा रहा है कि उस टाइम पे सब कुछ कैसा था। श्रीली टॉलसन किस टाइम की बात कर रही है? वो बेसिकली अपनी मदर के बचपन के टाइम की बात कर रही है। तो उस टाइम पे सब कुछ कैसा था जब ऑथर की मदर और उनकी कजन्स बीच पे खाली पैर पानी में घूम रही होती है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड and see the big girl some 12 year or so. अब इसका ये मतलब है कि पोएट की मदर की जो कजन है वो बीच में उनकी मदर के हाथों को पकड़े हुए होती है और उनकी मदर उस टाइम पे अप्रोक्स 12 साल की थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born. मतलब कि जो तीनों लड़कियां हैं वो बीच पे वो एकदम सीधी खड़ी है और उनकी हेयर्स वहां पे उड़ रही होती है और एक अंकल कैमरा के साथ उनकी फोटोस क्लिक कर रहे होते हैं। अब पोएट आगे बोलती है कि उस फोटो में उनकी मदर का फेस बहुत ज़्यादा स्वीट दिख रहा होता है क्योंकि उस टाइम पे ऑथर का बर्थ नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस्ट वाज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि वो जो सी है वो बहुत कम बदला है लेकिन वो तीन कजन्स है वो बदल गई है और ऑथर की मदर इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी है। जो सी है वो वैसा का वैसा ही है उस टाइम पे भी जब ऑथर की मदर इस दुनिया में नहीं है। इसका एक और मतलब ये भी है कि सी इमॉर्टल है, कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन इसके अपोजिट ह्यूमंस इस वर्ल्ड में टेम्पररी है। Some 20-30 year later, she did laugh at the snapshot see Betty and Dolly, she did say, and look how they dressed us for the beach. इस स्टैंजा में अब पोएटिस अपनी मदर के बारे में बताती है कि जब वो बड़ी हो गई थी, उनकी शादी हो गई थी और पोएटिस भी इस दुनिया में आ गई थी, तब वो बोलती है कि 20-30 साल बाद जब उनकी मदर वो स्नैपशॉट मतलब वो बीच वाली फोटो देखती है तो वो हंसने लगती है और बोलती है कि बेटी एंड डॉली को देखो, इनको कैसे ड्रेस पहनाई गई है। बेटी एंड डॉली पोएटिस की मदर की कजन थी, यानी कि श्रीली टॉलसन की मौसी थी। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस।
अब राय का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट। लेबर्ड का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी। ईज का मतलब होता है लैक ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, तो इन लाइंस में पोएटिस हमें कहती है कि जो सी हॉलीडे था वो मेरी मदर का पास था और उन्हें हंसता हुआ जो मैं देखती थी वो मेरा पास्ट है और हम दोनों अपने इस लॉस को लेकर परेशान थे। Now, she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance, there is nothing to say at all. It silence silences. अब लास्ट के इन लाइंस में जो पोएटेस है वो काफ़ी सैड टोन में कहती है, मेरी मदर की डेथ हुए उतना समय हो गया है जितना वो जो बच्ची है फोटोग्राफ में वो थी। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएटेस ने हमें बताया था कि उनकी मदर उस टाइम पे 12 साल की थी, तो उस हिसाब से उनकी मदर का डेथ हुए 12 साल हो गई थी। एंड अब इस सिचुएशन में मेरे पास यानी कि सीरी टाउलसन के पास कहने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो लास्ट में कहती है इट साइलेंस साइलेंसेस। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फुल पोयम। कहीं पे भी डाउट हो तो हिचकिचाना मत, सीधे कमेंट करके पूछना। एंड एक चीज मैं पूछू, तुम लोग कमेंट्स में बताना कि तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा जो फोटो है जो अभी तक का सबसे प्रीशियस फोटो है, कमेंट्स में जरूर बताना। कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो चलो मिलते किसी और वीडियो में। अगर बगल वाली दो वीडियो नहीं देखी होगी देन देख लेना। सो चलो मिलते किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely